तो हाय दोस्तों, तो दोस्तों आज हो क्या रहा है, आज हम हमारे घर की कर रहे हैं सफाई। बहुत दिन से यहाँ पर गंदगी थी और बहुत सारे पत्ते वत्ते हो गए थे, तो आज मैंने और मेरी वाइफ ने सोचा कि थोड़ी सी सफाई की जाए। तो हमने सोचा सफाई भी कर लेते हैं और एक ब्लॉग भी बना लेते हैं। तो देखिए किस तरह से हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं सफाई। पीछे वाला कैमरा चालू करता हूँ, दो मिनट रुकिएगा, एक सेकंड रुक। तो यहाँ से सफाई करी है चालू। ये देखिए, ये यहाँ पे चीपे हैं, ये पूरे में यहाँ पर थे पत्ते, ये साफ़ किए। और ये हमारी पत्नी श्री यहाँ पर पत्तों का अलग ढेर लगा रही हैं, है ना। और ये ढेर भी हम दोनों ने मिलके लगाया है। ऊपर से यहाँ पावर लाइन गई हुई है, तो हमने थोड़ा दूर रखा है जिससे कि क्या है कि गलती से वो ना पिघल जाए, उससे आग दूर रहे। और हमने ये जो ढेर है इसको ज़्यादा ऊंचा भी नहीं बनाया है, क्योंकि स्टैक यदि बड़ा होगा तो आग फैलने का खतरा रहता है, ऊपर जाने का खतरा रहता है। और यहाँ पर हमारी नेट की लाइन गई हुई है, इसलिए हमने यहाँ पर स्टैक नहीं लगाया। ये लगाया है, इसको भी अलग कर देंगे क्योंकि आगे गाड़ी खड़ी हुई है। तो इस तरह से आपको मैडम कैसा लग रहा है ये काम करके, थोड़ा बताएंगी? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और घर इससे साफ सुथरा लग रहा है। और ये पेड़ पौधे बहुत है ना हमारे घर में, तो पत्तियाँ बहुत गिरती हैं जी, तो काफी दिनों से इफेक्टिव थी। हाँ, तो आज हमने दोनों जन ने सोचा कि इसे झाड़ के इकट्ठा कर दिया जाए। और हम लोगों ने ऐसा सोचा कि हम लोग रोज 10 मिनट देंगे तो थोड़ी सी सफाई हो जाया करेगी, आड़ी टेढ़ी जैसे भी हम लोग से झाड़ू बनेगी हम लोग वैसे ही लगा देंगे, तो थोड़ा बहुत साफ तो दिखे जी। तो यही अभी फिर हम लोग इसमें आग लगाने वाले हैं। चलिए ठीक, इकट्ठा करके आग लगाएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय दोस्तों, हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखिए हम लोग झाड़ू के साथ में झाड़ू लेके हाथ में थंबनेल के लिए फोटो खिंचा रहे हैं, जिसमें ऐसा लगे कि हम लोग ने कुछ काम यहाँ पे किया है। ये ठीक है, और ये मैंने बटन दबा रहा हूँ, दब रही है क्योंकि कैमरा भी चल रहा है, वीडियो कैमरा, और साथ में फोटो भी ले रहे हैं। झाड़ू तो ऊपर दिखाओ भाई, ये देखिए। ठीक है, ऐसा थोड़ा अलग कर लो, चेहरा भी तो दिखना चाहिए। और ये देखिए, ये पत्ते भी हम लोग यहाँ से अलग कर दे रहे हैं और यहाँ पर फैला देंगे, यहाँ पर डाल देंगे। एक और तसला है लेकिन उसमें पानी भरा हुआ है, नहीं तो मैं भी ले आता और उससे भी काम शुरू कर देता, लेकिन फिलहाल यही ठीक है। हाँ, फैला के कर दो जिसमें ज़्यादा ऊंचा ढेर ना लगे, है ना। फिर अपन उसके बाद इसमें आग लगा देंगे तो सही रहेगा, बस लाइन से दूर रहे। ये देखिए, ये है सीताफल का पेड़, इसमें बहुत सारे सीताफल लगते हैं। और यहाँ पर लगे हैं ये नीम के पेड़ हैं, सब नीम की पत्तियाँ गिरती हैं। ये देखिए, ये भी है, यहाँ पर भी है, यूकेलिप्टस भी है वो उधर लगा है, और उसके बाजू में है टेसू का पेड़, है ना। तो बहुत ही यहाँ पर हमारे यहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और यहाँ की एयर क्वालिटी बहुत क्लीन है, बहुत साफ है। क्योंकि डस्ट यदि रोड से आती भी है तो ये जो पेड़ पौधे हैं ये डस्ट को रोक लेते हैं, घर के अंदर बहुत कम डस्ट आती है। इसलिए मुझे यहाँ की एयर में सांस लेना बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्लीन एयर है हमारे यहाँ की। मैं अभी नरसिंहपुर में हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना सुहावना कि मैं इतना अच्छा कि मैं बता नहीं सकता। अब दोस्तों मैं कचरे के ढेर में आग लगाने जा रहा हूँ, मैं अंदर से माचिस और एक मोमबत्ती लेके आया हूँ। बहुत सारी जगह जलाना है इसलिए मैंने मोमबत्ती जला ली है, और इसको मैं अलग अलग जगह लगाऊंगा। इस तरीके से आग लगाने से काड़ी भी वेस्ट नहीं होती, एक ही कढ़ाई में जल जाता है ना। देख रहे हैं, एक एक तीली का, एक मोमबत्ती का कमाल, इतनी सारी जगह मैंने आग लगा दी।